गुंडापंडी ब्लॉक के ग्राम पंचायत लालपुर तीतरी में बीते दिनों ग्राम प्रधान सोनी सिंह के पति राजकुमार गांव के अंदर शासन के आदेश पर गांव में सामुदायिक की शौचालय और पंचायत भवन निर्माण के लिए ग्राम सभा की जमीन पर काम शुरू कराना चाहते थे, लेकिन जमीन गांव के ही रहने वाले रमेश सिंह, विनोद सिंह, प्रमोद सिंह पुत्र हरपाल सिंह, सुमित सिंह, अमित सिंह पुत्र सुरेश सिंह, आयुष सिंह पुत्र रमेश सिंह, अभिषेक सिंह पुत्र प्रमोद सिंह ने अवैध रूप से ग्राम सभा की जमीन पर कई वर्षों से अपना अवैध कब्जा कर रखा था। अब जब इस जमीन पर ग्राम प्रधान पंचायत भवन और सामुदायिक की शौचालय का निर्माण कराने को लेकर हल्का लेखपाल को लेकर जमीन पर अवैध कब्जा हटाकर पैमाइश करा रहे थे, तभी इस बात की भनक अवैध रूप से कब्जा करने वालों को लगी तो उन्हें लगा कि जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। जमीन को अपने कब्जे से जाती देख दबंगों ने प्रधानपति राजकुमार पर हमला बोलकर मारपीट शुरू कर दी। प्रधानपति ने पुलिस को जैसे फोन करने की कोशिश की तो उनके हाथ से फोन छीनकर तोड़ दिया। उस समय तो प्रधानपति ने जैसे तैसे अपनी जान बचाकर मुंडा पांडे थाने पहुंचकर दबंगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की थी, लेकिन उस समय तो पुलिस ने सारा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन इस बात से नाराज ग्राम प्रधान सोनी सिंह ने इसकी शिकायत मुंडा पांडे ब्लॉक प्रधान संघ अध्यक्ष रूबी नंबरदार से की थी, जिस पर आज ब्लॉक सभागार में प्रधान संघ अध्यक्ष रूबी नंबरदार के पति प्रतिनिधि शानू नंबरदार ने दर्जनों ग्राम प्रधानों के साथ इस मामले पर बात करते हुए कहा कि बड़े दुख की बात है कि जब ग्राम प्रधान पूरी ईमानदारी से गाँव के अंदर विकास कराना चाहते हैं तो वहीं गांव के अंदर कुछ दबंग लोगों को ये बात नगावार लगती है। ऐसी स्थिति में अगर पुलिस प्रशासन भी ग्राम प्रधान की मदद नहीं कर सकता तो इससे ज्यादा और दुख की क्या बात हो सकती है। जिसके बाद ब्लॉक प्रधान संघ का एक प्रतिनिधि मंडल मुंडा पांडे थाना प्रभारी नवाब सिंह से मिला और दबंगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग करते हुए एक शिकायती पत्र देकर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। तो वहीं थाना प्रभारी नवाब सिंह ने भी प्रधान संघ प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलाया है कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच कराकर दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। मेरा सामनंदा ब्लॉक अध्यक्ष मुंडा पांडे। अच्छा, किस लिए थाने में आए हो आज? ये लालपुर तीतरी का मामला था, प्रधान के साथ बदतमीजी हुई है, किस मामले को लेकर हुई है? ये कोई पंचायत का मामला है, जमीन सरकारी जमीन का विवाद है। कोतवाल साहब ने क्या आश्वासन दिया? कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया है, जांच के लिए उन्होंने करी फौरन कार्रवाई करी। कौन कौन लोग है जो अवैध कब्जा कर रखा उन्होंने जमीन पर ग्राम पंचायत की? आप प्रधान संगठन का अध्यक्ष हूँ और हमारे ग्राम प्रधान के साथ में जो अग्रता हुई थी उन्होंने जो है मैसेज के जरिए प्रधानमंत्री का जो ग्रुप बना हुआ उसको डाला था, हमने देखा, फिर एक मीटिंग बुलाई गई। गया सबल सरकार ने जो भी आदेश दिया है कि हर गांव में मतलब पंचायत घर बनना चाहिए तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये हमारा अपना निजी काम नहीं है। बात उस चीज़ का सवाल नहीं है, सवाल उस चीज़ का है कि एक चुने हुए प्रधान के साथ में बदअखलाकी करता है, अगर बदअखलाकी करता है तो प्रधान संगठन का ये दायित्व बनता है तो उसका साथ दिया जाए। उन लोगों ने पूरा कुल मिलाकर हम लोगों से शिकायत करी तो हम कोषाध्यक्ष हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमने ब्लॉक में मीटिंग की और बाद में थाना मुनाफा ने भी शिकायत की। इंस्पेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया कि मैं उनसे बात करता हूँ और जाँच कराता हूँ, इसका निशान करता हूँ। ठीक है। सोनी सिंह, क्या मामला है आपने? मामला ये है कि ग्राम समाज की जमीन थी, उसको जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, उस पर बनाना चाह ग्राम पंचायत वगैरह हमने रोकने की कोशिश की तो आके गाली गलौज की, मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी, तो हमने शिकायत की यहाँ पे आके, यहाँ नहीं सुना ब्लॉक में, अपने पूरे प्रधान संगठन को बुला के यहाँ पे किया। अब इंस्पेक्टर साहब ने थोड़ा सहानुभूति दी कि वहाँ जाके उनको कार्रवाई की जाएगी उन पर, अगर यहाँ से भी कुछ नहीं हुआ तो हम और ऊपर जाके बात करेंगे, SSP से करेंगे, इस मामले को पूरा खत्म करना। क्या सरकारी काम में बांधा डाल लेते वो लोग? हाँ, वो बांधा डाल लेते, वो ये कह रहे थे कि हम नहीं देंगे जमीन, जिसकी कीमत हो वो ले लो आगे। वो ग्राम समाज है या उनकी अपनी है? ग्राम समाज की जमीन है वो। ग्राम समाज की? किस गांव के प्रधान हो आप? लालपुर तीतरी। कौन कौन लोग है जो आप? रमेश सिंह, सुरेश सिंह का बेटा है, अमित कठहरिया, सुमित कठहरिया, प्रमोद सिंह, विनोद सिंह। अच्छा, ये मामला कब से चल रहा है? ये 11 तारीख अगस्त से चला, 11/8/2021 से चल रहा है। और आप कब्जा हटाने के लिए बोलते हो तो क्या बोलते हैं वो लोग? वो ये बोलते हैं कि हम नहीं देंगे इसे, कोई भी आ जाए। कहाँ कहाँ पर शिकायत की है आपने? अभी यहाँ पे की थी और SSP के पास गए थे, वहाँ पे भी डाली है। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप आगे क्या करोगे?
अभी तो इन्होंने आश्वासन दे दिया है कोतवाल साहब ने, नहीं देंगे तो ऊपर तक जाएंगे। ठीक है।